नमस्कार, कुक विद पूनम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम एग पराठा बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। चलिए देख लेते हैं रेसिपी। एग पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। मैदा लिया है 1 कटोरी, ये थोड़ा सा हमने रख लिया है। आप चाहे तो पूरा पराठा मैदे का भी बना सकते हैं, पर ये बच्चों को देना है तो हमने थोड़ा हेल्दी करने के लिए इसमें आटे को मिक्स किया है। 1/2 स्पून नमक डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगा लेंगे। पलट पलट कर एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच घी डालकर मथलेंगे अच्छे से। घी हमने इसलिए डाला है कि हमारे पराठे थोड़े से क्रिस्पी बने। आप चाहे तो घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने आटे को अच्छे से लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब हमने 3 एग ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। एग में नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमने अपने डो में भी नमक डाला है। कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1/2 स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, लास्ट में अब थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। एग्स को फेंट लेते हैं। डो हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। जिस साइज़ के आप पराठे खाते हो उसी उसी साइज़ की आप पेड़े बना के तैयार कर लें। सारे पेड़े ऐसे ही तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हमने। चलिए पराठे के लिए बेल लेते हैं। अब इनको थोड़ा मैदा डालकर पहले हाथ से बढ़ा लेंगे थोड़ा। मैदे में डिप कर लेंगे। रोटी के साइज का ही बढ़ाएंगे हम इसको। पराठे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। सारे में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से बंद कर लेंगे पराठे को और फिर से मैदे में डिप करके पराठे को बढ़ा लेंगे। सारे पराठों को ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। पैन में हमने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। अब पराठा डाल देते हैं। अच्छे से एक साइड से सिकने देंगे तभी पलटें। देखिए बबल्स आ गए हैं पराठे पे। एक साइड से हमारा पराठा सिक गया, दूसरी साइड से सेक लेंगे। अब हमारा पराठा दूसरी साइड से भी सिक गया। देखिए अब इस पर जो हमने एग की प्यूरी बनाई है उसको डाल देंगे। अच्छे से फैला लेंगे। अब पराठे को पलट लेते हैं। ऑयल लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। दूसरी साइड भी पराठे के थोड़ा एग डाल लेंगे। अच्छे से फैला लेंगे।
पलट लेते हैं। देखिए हम थोड़ा थोड़ा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयल ना लगाएं। पराठा बनके तैयार है, निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम अपने सारे पराठों को तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अब देखिए कितने अच्छे फूलकर पराठे तैयार हुए हैं, निकाल लेते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट पराठे बने हैं, बहुत ही हेल्दी पराठे बने हैं। इसको आप सॉस या चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इस तरह से बना के देखें पराठों को और बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी मेरी। थैंक यू।